जाओ 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 जाओ। फोन चेक कर लेता हूँ, चलो सही है। तो गाइस बिना किसी देरी के निकलते हैं फटाफट। चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो भाई कल और एक न्यू राइडर जो कि ज्वाइन करने वाला है हम लोगों की टीम पे, और कल मेरा भाई शायद नहीं जाएगा, अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया। और प्रणव भाई का जो 125 मैच चला, संडे मैच चला रहा था जो 125,
तो भाई उसमें दिक्कत आ गया है, प्रोनो बाइक का एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा। मतलब बाइक थोड़ा धीरे ही चल रहा था तो छोटा सा एक्सीडेंट के ऊपर से निकल गया, नहीं तो भाई बाइक का स्पीड ज़्यादा रहता तो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता। बट कल रात को क्या हुआ कि प्रणव भाई घर जा रहे थे, 20-25 का स्पीड में था, ऐसे ही मैं अभी जितना स्पीड में हूँ, तो वो थोड़ा आरपीएम खींच के मतलब बाइक चलाता है, तो आरपीएम थोड़ा हाई था, स्पीड सेम था बट आरपीएम हाई था। तो गाइस क्या हुआ, सामने अचानक से एक बंदा आ गया था या साइकिल वाला कोई आ गया था, बच्चा लड़का, तो उसके कारण वो जब ब्रेक किया है फ्रंट ब्रेक, उसमें तो भाई एबीएस नहीं था, जब फ्रंट ब्रेक किया है तो क्या हुआ, सामने का डिस्क जो है लॉक हो गया था भाई पूरा। और भाई उसके बाद प्रणव भाई दो पलटी खा गया भाई, थोड़ा सा हाथ पैर में चोट भी आया है प्रणव भाई का, तो इसीलिए प्रणव भाई जा भी नहीं पाएगा इस संडे। और उसका बाइक का भी हालत बहुत ही ख़राब है, मंडे को जो कि बाइक सर्विस सेंटर पर लेके जाना है उसका काम कराने के लिए। कि मेरा इधर पे जितना भी 125 है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बंदे का सेम चीज़ देखे है। मतलब क्या होता है, ये 125 NS का एक ही प्रॉब्लम है, जब ये जब तक भाई फ्रंट का डिस्क जो है लॉक हो जाता है गाइस, तो ये क्यों होता है पता नहीं, ये प्रॉब्लम बजाज को देखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रणव भाई का ये एक फ्रेंड है जो हम लोगों का बाटा ब्रिज में, जब जो हम वीडियो बनाते हैं बाटा ब्रिज में, उस बाटा ब्रिज से आ रहा था, तो भाई मतलब ब्रिज से उतरने के टाइम और भाई उसका भी डिस्क जो है कि लॉक हो गया था, तो भाई वो बंदा ऊपर से ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर गया था। मतलब बंदा ऊपर था ब्रिज के ऊपर था, वो गाड़ी छोड़ दिया था, तो गाड़ी ब्रिज के ऊपर से नीचे आ गया था, तो गाड़ी का हालत बहुत ही ख़राब था, इंश्योरेंस में डाला हुआ है, कब आएगा कोई पता नहीं। और कल जो है वो भी एक अच्छा खासा राइडर है, वो जो कि NS 200 लेके जाने वाला है गाइस, बंदे को मैं पहले देखूंगा, पहला बार, इससे पहले कभी देखा नहीं। और भाई हम लोगों का जो छोटा चैनल है KTM, मतलब राइड विथ KTM चैनल का नेम है, तो गाइस उसमें भी जाके आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें भाई जितना भी शॉर्ट्स है उसी में अपलोड होता है, शॉर्ट्स में इस चैनल पे अपलोड नहीं करता हो। अभी सेकंड चैनल जो है, जाओ 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 जाओ, भाई साहब अभी थोड़ा सा भी लेट होता तो बच्चा आ जाता बीच में भाई, और बीच में आ जाने से मैं भी रेडी नहीं रहता तो कुछ होने भी वाला था।